ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज पहुँचे ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ पहुँचने पर महाराज श्री का भव्य स्वागत जयघोष के साथ हुआ। इसके बाद उन्होंने क्षेत्रवासियों को सत्संग के माध्यम से कहा कि उनका दृढ़ संकल्प सर्वे भवन्तु सुखी सर्वे भवन्तु निरामया। और महाराज ने कहा, ज्योतिर्मठ के आम जनमानस में आत्म ज्योति जगाने का संकल्प लेते हुए जीवन प्रयत्न सदाचार सद्भावना जन कल्याण परोपकार की भावना के साथ सनातन धर्म के उत्थान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और आज 19 नवंबर को भगवान श्री बद्री विशाल के कपाट बंद होने पर वहीं मौजूद रहेंगे और आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनाई गई वैदिक परंपराओं का निर्वाहन करेंगे। बद्रीनाथ धाम में शंकराचार्य जी की पवित्र गद्दी पालकी और अन्य देव डोलियों के साथ पांडुकेश्वर होकर लौटेंगे। मुख्य ज्योति आत्म ज्योति, तो आत्म ज्योति जागृत लोग आत्म साक्षात्कार की ओर अध्यात्म के सबसे ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। उनके मन में इस बात की जिज्ञासा है, पहला तो प्रयास है। दूसरा प्रयास यह है कि आध्यात्मिक साधना के साथ साथ लोक कल्याण भी अंतःकरण को पवित्र करते हैं, इसलिए लोगों के भलाई के लिए उनके आध्यात्मिक और उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, उनके चित्त को अच्छा रखने के लिए, उनके अंदर विद्याओं का प्रवेश कराने के लिए जो उपक्रम मत के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनको ठीक करना और उनके